स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 को लेकर के, जो कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका 2017 प्रथम सेमेस्टर से आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अगर इस क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो ये आपका 50 नंबर का रहेगा यानी 50 मार्क्स का रहेगा। समय की बात की जाए तो 2 घंटे समय रहेगा। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने 2018 के क्वेश्चन पेपर को लेकर के बात की थी, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं आप उन सभी को पढ़ करके जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में रेपिटेटिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। इन्हें आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न से शुरुआत करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों की बात की जाए तो आपके 15 रहेंगे बहुविकल्पी प्रश्न यानी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, यानी प्रत्येक जो आपका प्रश्न रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। आ है 2, बा है 3, सा है 4 और दा है 5। ये आपके ऑप्शन हैं, आपको इसमें से जो भी आंसर रहेगा वो लिखना रहेगा। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। नंबर आ है बाल विकास की दृष्टि से, नंबर बा है बाल शिक्षा की दृष्टि से, नंबर सा है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, नंबर दा है बाल समायोजन की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, किशोरावस्था बड़े बाल तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है या कथन है। आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ये आपका 2018 की जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, मैंने आपको बताया था उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रेपिटेटिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं लगभग। तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे, नंबर 1 है किलपैट्रिक, नंबर 2 है स्टेनहॉल, नंबर 3 है टीपीनन, नंबर 4 है वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नंबर 1 है सीएल हल, नंबर 2 है पावलोव, नंबर 3 है थॉर्नडाइक, नंबर 4 है वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। नंबर 1 है मध्यमान, नंबर 2 है मध्यांक, नंबर 3 है प्रसार और नंबर 4 है बहुलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्तित्व करने वाला एक शब्द है। नंबर 1 है विकास, नंबर 2 है परिवर्तन, नंबर 3 है समायोजन, नंबर 4 है अस्थिरता। नंबर 7 है बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नंबर 1 है पोषण, नंबर 2 है लिंग भेद, नंबर 3 है संस्कृति, नंबर 4 है तनाव। क्वेश्चन नंबर 8 है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। नंबर 1 है अवधान, नंबर 2 है प्रेरणा, नंबर 3 है प्रतिकार, नंबर 4 है अधिगम। क्वेश्चन नंबर 9 है पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। नंबर 1 है प्रसरण, नंबर 2 है माध्यिका, नंबर 3 है बहुलक, नंबर 4 है माध्य। क्वेश्चन नंबर 10 है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। नंबर 1 है किशोरावस्था, नंबर 2 है शैशवावस्था, नंबर 3 है बाल्यावस्था, नंबर 4 है प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 11 है जिन तत्वों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करने की स्मृति है या कथन है। नंबर 1 है रॉस का, नंबर 2 है वुडवर्थ का, नंबर 3 है रायबर्न का, नंबर 4 है स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 12 है सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व को मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। नंबर 1 है 0 से 5 वर्ष, नंबर 2 है 0 से 11 वर्ष, नंबर 3 है 11 से 13 वर्ष, नंबर 4 है 11 से 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ऑप्शन 1 है क्रोध, 2 है भय, 3 है ध्यान और 4 है प्रेम। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। नंबर 1 है 80 से 90, नंबर 2 है 110 से 120, नंबर 3 है 140 से अधिक, नंबर 4 है 100 से 120। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 यानी लास्ट है, बियाजी के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। नंबर 1 है 2, नंबर 2 है 4, नंबर 3 है 6, नंबर 4 है 3। तो यहाँ पर बात हो गई आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के, जो कि आपके 15 क्वेश्चन थे। ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन यहाँ पर भी आपका 1 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। नंबर 17 है सृजनात्मकता से क्या आशय है। नंबर 18 क्वेश्चन है व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है रोर्शा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है। नंबर 23 है बालक की बुद्धि कब रुक जाती है। नंबर 24 है TAT का संबंधन किससे है। क्वेश्चन नंबर 25 है स्मृति का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 27 है अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 28 है हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक दो कारण लिखिए। तो यहाँ पर बात हो गई अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के, जो कि आपके 15 क्वेश्चन थे और ईच क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। लास्ट में देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखेंगे 31 लघु उत्तरीय प्रश्न। 31 क्वेश्चन है बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 32 क्वेश्चन है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। 33 क्वेश्चन है बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। क्वेश्चन 34 है बहिर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। 37 क्वेश्चन है अनुकरण द्वारा सीखने से क्या आशय है। 38 क्वेश्चन है कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। 39 क्वेश्चन है सीखने के पठार के क्या कारण हैं संक्षेप में लिखिए। 40 क्वेश्चन है स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 10 क्वेश्चन थे और ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही आपके लगभग पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपरों में, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते हैं पूछने का। तो आप लाइन से इस पूरे क्वेश्चन पेपर को एक नज़र में देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपका। तो यहाँ तक ही, और यहाँ पर निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जो है आपको लगभग 30 शब्दों में देना है और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर शब्दों की सीमा को बताया गया है कि कितने शब्द में आपको लिखने हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर DLED प्रथम सेमेस्टर 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बता दिया गया है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन पेपर का सलूशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं आप उन सभी को पढ़ करके एग्ज़ाम में ज़रूर जाएं, क्योंकि आपके रेपिटेटिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं, आपके जो भी सुझाव हैं वो दे सकते हैं।
आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का।